अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फर्स्ट वी विल डिस्कस द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देन वी विल फर्दर मूव ऑन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो फोकस ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो पहले तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखिए एक तो चीज़ पहले पता होगा आपको, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर चार है आपका तो दो तरीके के पॉसिबिलिटी थे, मैंने कल बताया था, या तो sp3 होगा नहीं तो dsp2 होगा। यदि dsp2 हो रहा तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जबकि sp3 हो रहा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो टेट्रा है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोई GI पॉसिबल नहीं होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट पर फिक्स होते हैं, और आप किसी को भी चेंज कीजिए तो वो फिर चेंज होकर 109 डिग्री 28 मिनट्स पर ही आएंगे, तो वो GI शो नहीं करता। तो आपको कुल मिलाकर ध्यान रखना, यदि कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार में बच क्या गया, सिर्फ अपना स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला पॉइंट याद क्या रखना अपन को, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट उसमें क्या था, कि कोऑर्डिनेशन नंबर चार है तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन हाँ यदि वो स्क्वायर प्लेनर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइए हम देखते हैं उसको अब। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको, आइए कैसे उसको देखना है। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए जो बेसिक कंसेप्ट था अपना वो क्या था, यदि ऑर्गेनिक की भी बात करूँ या कहीं की भी बात करूँ मैं, तो क्या होता था कि यदि मान लीजिए कोई भी ये एटम है, ठीक है, इससे यदि चार ग्रुप जुटे हैं, तो मान लीजिए ए बी, यदि अभी इतने डिस्टेंस पर है, बी भी इस डिस्टेंस पर है, मैं इसको चेंज कर दूँ, इसको ए बी, अब इस बी को ऊपर ले आऊँ ये, तो अब बी बी कितने डिस्टेंस चले गए, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी कि इसको कहते हैं एरियल डिस्टेंसेस। क्या बोलते हैं, एरियल डिस्टेंसेस। तो एरियल डिस्टेंसेस यदि चेंज हो तो क्या बोलते थे, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, या इसको ऑर्गेनिक में क्या बोलते थे, कि एक कार्बन से यदि टू डिफरेंट यूनिट्स अटैच्ड होता है दोनों तरफ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। देखिएगा, ऑर्गेनिक से थोड़ा रिलेट करूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। C11C ए बी, हम वहाँ क्या लेते थे कि पहले ए सेट ऑफ टू एटम्स सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इंडिविजुअली ईच एटम पर देखना है कि डिफरेंट ग्रुप अटैच है कि नहीं, फिर इस पर देखना है कि डिफरेंट ग्रुप अटैच है कि नहीं। तो यहाँ आपको एक ही सेंट्रल मेटल देखना है, यहाँ ये जो दो था ना उसको आपको एक कर देना है, एक कर देना है, दो के जब क्या हो जाएगा, इस दो को आपको एक ही मान लेना है और बाकी कंसेप्ट वही रहेंगे। यहाँ भी देखना है कि आपको कि डिफरेंट ग्रुप थे, यहाँ भी देखना है कि डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, ठीक है, यदि है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, नहीं हो तो नहीं शो करेंगे। आइए, ये कंसेप्ट था, अब अपन आते हैं एक ट्रिक पर, और जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसी ट्रिक पर अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और जितने भी होंगे GI OI सब उसी ट्रिक पर डिस्कस करेंगे, तो वो ट्रिक समझ लीजिएगा एक बार। पेयरिंग बनाना है असली में वो, और हम पेयरिंग बनाने में तो इंटरेस्टेड रहते हैं, क्या करना, पेयर बनाना है हमको, पेयर बनाकर हम निकालेंगे कि वो GI शो करेगा या नहीं शो करेगा। जैसे मान लीजिए पेयर बनाना पहले मैं सिखा दूँ आपको, जैसे मान लीजिए A2B2 है, तो इसके कितने पेयर बन सकते हैं, देखिए ए बी बी ऐसे हो सकते हैं, या ए बी, यानी कि इसके दो पेयर पॉसिबल है। यदि मान लीजिए आपके सामने आ रहा है A2BC, तो इसे कैसे समझते हैं, पहला ABC, फिर ABAC, इसके भी कितने पेयर पॉसिबल है, दो पेयर पॉसिबल है, तो आपको पेयर बनाना आना चाहिए। ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले, ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी काम आएंगे, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर दिया। आइए देखते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया रहेगा वो क्या है, PtNH3 का होल 4Cl2। अच्छा, डिस्कस करने से पहले पहले बोल दूँ कि पहले आपका VVT क्लियर होना चाहिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन जो ये वाले हैं, आप जो आइसोमर है वो आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आपको यदि नहीं निकालने आ रहा तो आप कैसे निकाले जाएगी sp3 है या dsp2 है, या आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर आप नहीं बना पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पहले VVT क्लियर कीजिएगा एक बार, तब आसानी से बना सकते हैं इसको आप। एक ट्रिक भी क्या है, तब तक के लिए जितने भी प्लेटिनम के +2 वाले कंपाउंड होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर यदि चार होगा तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने इसी के आएंगे, प्लेटिनम +2 वाले ही आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वो प्लेटिनम +2 में जितने भी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि चार है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2 होगा, यानी कि स्क्वायर प्लेनर होगा, क्लियर। आइए देखिए,
एक स्टेप बता दूं मैं, पहले क्या करना था आपको, सिंपल पहला सबसे पहला काम तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए और उसका हाइब्रिडेशन निकालिए। मैं इतना यहाँ नहीं बताऊँगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, अब हाइब्रिडेशन निकाले। हाइब्रिडेशन आ रहा है क्या, स्क्वायर प्लेनर। मैंने ट्रिक बता दिया था, प्लेटिनम चूंकि यहाँ प्लस टू में है तो प्लस टू वाले हमेशा प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन नंबर चार में हमेशा स्क्वायर प्लेनर होंगे। तो पहला चीज़ क्या पता चला कि स्क्वायर प्लेनर है, तो यानी कि ये जी आई शो कर सकता है। तो जी आई शो कर सकता है, तब जी आई शो कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि शो करेगा ही, शो कर सकता है। अब हमको कंडीशन चेक करना हो, यदि यहीं पर मुझे टेट्राहेड्रल मिल जाता तो कन्फर्म हो जाता कि भाई ये जी आई शो करेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चारों ग्रुप डिफरेंट क्यों ना, ए बी सी डी चारों ग्रुप क्यों ना डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ चूंकि स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स आ रहा है तो यहाँ चांसेस है कि जी आई शो कर सकता है। तब हमको देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि चार है तो टेट्राहेड्रल आएगा स्क्वायर प्लेनर, जैसे टेट्राहेड्रल आया खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। यदि स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स आ रहा है तब आपको आगे बढ़ना और कंडीशंस देखना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन करने का पैटर्न होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, टेट्राहेड्रल आ रहा है, नो जी आई, यदि स्क्वायर प्लेनर आया तो आगे बढ़ना, वो कंडीशंस चेक करना है। आइए देखते हैं, ये सेंट्रल एटम प्लेटिनम लिख दिए और इससे चार जो लिगेंड, ये बाहर वाले को नहीं देखना है, ठीक है, हमको अंदर वाला ही देखना है क्योंकि अंदर वाले के साथ ही पीटी जुड़ा हुआ है। तो चार अमोनिया है, चारों अमोनिया लगा दिए। अब देखिए इससे अटैच्ड ग्रुप क्या है, सेम है, इधर भी सेम है दोनों, यानी कि ये जी आई नहीं देगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ये जी आई नहीं देगा। और इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये मेटल है तो एम, और ये ग्रुप ए कितना है चार, तो एम ए फोर। अब ए फोर का पेयर बनाइए, क्या बनेगा, ए ए ए ए, ऐसा पेयर। और कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन, पॉसिबल नहीं है पेयर बनना। यदि पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो जी आई नहीं देगा। दो तरीके जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, ये तरीका ज़्यादा अच्छा होगा आगे आने पर, ये अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन आगे आने पर ज़्यादा अच्छा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल सब के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी टी एन एस थ्री का होल थ्राइस सी एल, इस ठीक है, एन एस थ्री का होल थ्राइस और एक और यहाँ पर आगे बी आर होगा, मान लीजिए सी एल, यहाँ पर मैं एक सी एल लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बी आर करता हूँ, चलिए कुछ भी का, तो क्या होगा एम ए थ्री बी, ये बी क्यों लिखा मैं, क्योंकि ये अलग लिगेंड है, ये अलग है, तो ए थ्री और बी, एम ए थ्री बी। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, तो प्लेटिनम लिखते हैं तो एन एस थ्री एन एस थ्री एन एस थ्री सी एल, लेकिन एक तरफ क्या है, दोनों ग्रुप सेम है, दोनों तरफ अलग अलग होना चाहिए, ये दोनों एन एस थ्री है तो ये जी आई नहीं देगा, इससे पता चल गया। अब इससे कीजिए तो क्या होगा, एम ए थ्री बी, इसका पेयर बनाइए तो क्या होगा, ए ए ए बी, आपको पेयर पॉसिबल है क्या, यदि हम ए बी ए ए करते तो ये तो सेम ही आ गया, यहाँ भी तो ए ए बी है तो यहाँ भी तो ए बी ए हो गया, तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है, एक बार में एक ही पेयर लिखना है, तो ए ए बी एक ही पेयर बनना है, एक ही पेयर जब भी बने तो जी आई पॉसिबल नहीं है। अगला आते हैं पी टी एन एस थ्री का होल ट्वाइस सी एल, यहाँ आप देख सकते हैं, यदि मैं थोड़ा सा रब कर दूँ ऊपर वाला, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन जो अंतिम दिन आपके काम आएगा, जो आगे काम आएगा, वो पेयरिंग वाला काम आएगा, तो पेयरिंग वाला समझने की कोशिश कीजिए आप। इसमें स्ट्रक्चर लिख सकते हैं पी टी एन एस थ्री सी एल एन एस थ्री सी एल, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, ये भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि ये जी आई दे सकता है। आप इससे करते हैं तो क्या हो गया अपना एम ए टू बी टू, बी टू के लिए टू क्यों लिखे, टू है, टू क्यों लगा रहे हैं, टू है इसलिए एम ए टू बी टू। आप ए टू बी टू का पेयर बनाइए, तो पहले क्या बना लीजिए, ए ए फिर बी बी फिर ए बी ए बी, और कोई पेयर पॉसिबल है क्या, नहीं पेयर पॉसिबल, लेकिन कितना पेयर बन रहा है मेरे पास, दो पेयर बन रहा है, यानी कि जी आई पॉसिबल हो, जब भी दो पेयर बने, दो या दो से ज़्यादा बने तो जी आई पॉसिबल होगा, और कितना जी आई होगा, दो जी आई होगा, एक सिस और एक ट्रांस, क्लियर हो रहा है ना, ऐसे ही करने क्वेश्चन था आपको। आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिया है, पी टी एन एस थ्री का होल ट्वाइस सी एल बी आर, अच्छा जितने भी हैं सब प्लेटिनम प्लस टू में, प्लस टू में तो मैं समझ गया है कि स्क्वायर प्लेनर ही है, इसलिए मैं बार बार ज्योमेट्री डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ, आपको पहले निकालना है हाइब्रिडाइजेशन की, वो डी एस पी टू है या एस पी थ्री है, यानी कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर, यदि टेट्राहेड्रल है तो नो चांसेस, यदि स्क्वायर प्लेनर है तो चांसेस होंगे। फिर से प्लेटिनम प्लस टू में है तो यानी कि स्क्वायर प्लेनर है, आइए देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं पी टी एन एस थ्री एक तरफ सी एल एक तरफ, फिर पी टी एन एस थ्री एक तरफ और बी आर एक तरफ, दोनों ग्रुप डिफरेंट, दोनों ग्रुप डिफरेंट, यानी कि जी आई देने का पूर्ण संभावना है, ठीक है। और देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुम ऐसे ही क्यों लिख रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं लिखते हो, दोनों एन एस थ्री को एक साइड लिख दो, ठीक है ये भी हो सकता है, लेकिन ये लिखेंगे तो ये जी आई नहीं दे रहा कोई नहीं है, तो आपको अदर वेरिएशन सोचना है, सारे वेरिएशन लिखने हैं, आप सारे वेरिएशन लिख सकते हैं आप, लेकिन उसमें से यदि एक भी वेरिएशन जी आई शो कर रहा है तो मानना पड़ेगा कि पूरा कंपाउंड जी आई शो कर रहा है, इसलिए मैं लाइकली वही लिख रहा हूँ जो शो करने वाला है। इससे पता चल गया, अब इससे आइए पेयरिंग से देखिए,
ये क्या होगा, एम ए ए इसको मान लिए, बी ए है, सी ए है, तो क्या होगा एम ए टू बी अकेला बी सी। अब इसमें पेयर बनाइए, ए ए एक साथ बी सी, फिर ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए बी ए सी। अब कोई पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं, दो पेयर पॉसिबल है, यानी कि जी आई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी, एम ए बी सी डी, तो पहले ए बी सी डी, फिर ए को सी के साथ भेज दिए, बी को डी के साथ, फिर ए को इसके साथ, फिर इसके साथ, तो पेयरिंग बनाना मतलब तीन पेयर बनना, यानी कि तीन जी आई पॉसिबल होगा। बात समझ आया, पेयरिंग बनाना चाहिए। और आप पेयरिंग बनाकर अब ये पता कर सकते हैं कि कितने जी आई होंगे, ये भी आसान करना है। जबकि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ये पता नहीं कर सकते कितना जी आई होगा, वहाँ भी आपको चेंज करना टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो क्या करना, पेयरिंग वाले रूल को फॉलो करना, मेथड को फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन थोड़े मुश्किल वाले हैं, देखिए ये ई एन का होल प्राइस, यानी कि ये बाइडेंडेड लिगेंड है। पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए आपको, बाइडेंडेड लिगेंड है, वो भी होमो बाइडेंडेड लिगेंड है। मतलब होमो बाइडेंडेड मतलब दोनों एटम सेम है। दोनों एटम सेम का मतलब, जो लिगेंड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले दोनों एटम सेम है, ठीक है। बाइडेंडेड, बाइडेंडेड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइडेंडेड मतलब दो दांत है, तो दो दांत ए ए ए कब लिखेंगे, जब दोनों एटम सेम हो बाइडेंडेड के। यदि मान लीजिए दोनों एटम बाइडेंडेड के डिफरेंट हो तो क्या लिखेंगे, ए बी, ऐसे लिखेंगे ए बी। उसके लिए देखिए यहाँ पर, तो हमको पता है जो ई एन है वो बाइडेंडेड होता है और होमो होता है, इसलिए क्या लिख दिया, ए का वोल्टेज। बाहर वाले से मतलब नहीं है, मैं फिर बोल दूँ, बाहर वाले से मतलब नहीं है, अंदर वाले से मतलब है, जो इस डब्बा के अंदर बंद है ना, डब्बा के अंदर, उसी से मतलब रखना है आपको। तो पी टी ई एन का वोल्टेज, तो एम ए का वोल्टेज, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो एम एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और ये बाइडेंडेंट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि बाइडेंडेंट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि ये तो एम के साथ बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं इसको देखकर, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि ए और ए जुड़े हुए हैं क्योंकि बाइडेंडेंट है, फिर इधर भी एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप चेंज कीजिएगा अभी, तो ए ए ए सेम सेम ही है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये आप यहाँ पर आपका जी आई शो हो पाए। जब बाइडेंडेंट आए तो आपको स्ट्रक्चर बनाए कर लेना आसानी है, वहाँ पता चल जाता आसानी से। ये ग्लाइसिन का होल्ट है, ग्लाइसिनेटो है, और हमको पता है कि ग्लाइसिनेटो में एक माइनस ओ माइनस डोनेट करता है और शायद एक नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो ये मुझे पता है कि ये हेट्रो होमो बाइडेंडेंट है, मतलब कि अलग अलग एटम डोनेट करता है यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या लिखा, एम ए बी का होल्ट। अब एम बनाइए, एक बॉन्ड ए बी बी, और ये आपस में जुड़े हुए हैं ए और बी, फिर यहाँ एक एक, फिर आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ बी चला गया, यहाँ ए चला गया, और यहाँ ए और बी उस तरह रहने दीजिए, तो क्या हो गया, पहले जो ए के एक साथ डिस्टेंस था, अब क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि एरियल डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि होमो में तो जी आई नहीं पॉसिबल, लेकिन हेट्रो आ जाए तो जी आई पॉसिबल है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं अभी। प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो एमोनिया ब्रोमाइड, ठीक है, ये क्या था, बाइडेंडेंट है, तो इसको ए बी लिखेंगे, हेट्रो बाइडेंडेंट है, फिर इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी। अब इसको आराम से आप देख पा रहे हैं कि इसमें तो आराम से देखने से पता चल रहा है कि यदि ए बी इधर बाइडेंडेंट लगा दीजिए आप, तो इधर स्मॉल ए बी, तो इससे इसका डिस्टेंस, फिर अगले में यदि आप इसको ये सही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए अब चेंज हो गया, एरियल डिस्टेंस, यानी कि वो जी आई देना पॉसिबिलिटी है, जी आई देगा आराम से, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ क्वेश्चन से आपको जी आई पर, अब पते हैं अंतिम जो अपना कंक्लूजन क्या है। यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इस फॉर्म के एम ए टू बी टू, एम ए टू बी सी, एम ए बी सी डी, एम ए बी का होल ट्वाइस, एम ए बी ए बी, ये पांच फॉर्म ऐसे हैं जो कि यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यदि आ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, तो वो जी आई शो करेंगे। बाकी यदि अदर फॉर्म्स हैं और स्क्वायर प्लेनर आ रहा है तो वो शो नहीं करेंगे, और टेट्राहेड्रल तो पहले से शो नहीं करे थे। तो आपको यदि ये पाँच याद हो जाते हैं, आसान भी तो है ना, एम ए टू बी टू, एम ए टू बी सी, एम ए बी सी डी, ए टू बी टू था तो बी टू हटा, बी सी आया, ए टू ए बी सी डी आया, फिर ए बी का होल्ड टॉइस, ए बी ए बी, ठीक है। ये आपको याद हो जाते हैं ऐसे पांच, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। सीधे आपको देखिए क्वेश्चन लिखा दिखा, तब समझ गए एम ए बी ए बी, एम ए बी ए बी, यानी कि ये स्क्वायर प्लेनर में जी आई देगा, देख के आप पता सक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना कंक्लूजन था, वो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर दो क्वेश्चन आप बचे हुए आप खुद कीजिएगा। देखिए जिंक, यहाँ मुझे देखते ही पता चल गया कि जिंक किस में, प्लस टू में, जिंक प्लस टू में इसका आप, अच्छा नहीं नहीं ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, इसका आपके लिए होमवर्क है। इसमें बस बताना है आपको कि जीआई पॉसिबल है या नहीं है, ये जीआई पॉसिबल नॉट, और इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जीआई पॉसिबल है कि नहीं है, ये मैं बता दूँ आरएच वाला, ओके उसको लिखिएगा। तो ये जो है ना, ये होमो लिगेंड है, ठीक है, नहीं नहीं ये भी आप क्वेश्चन कीजिए, ताकि आप सर्च कर पाएगा लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स यदि आपको पता नहीं होगा तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, तो कम से कम
ये सर्च करने के बहाने आप कुछ लिगेंड तो पढ़ लीजिएगा जरूर ध्यान से, ठीक है। और आपको ये भी क्वेश्चन करना है, ये तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ये तीन जो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूँगा, जो पीछे वाले क्वेश्चन तो उनको डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके आपको आंसर कहीं से ना कहीं मिल जाते, यदि आपसे नहीं बनते हैं तो मैं तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, टेट्राहेड्रल हो सकता है नहीं तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। यदि टेट्राहेड्रल है तो कोई सोचना ही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक का, सोचना ही नहीं है। यदि स्क्वायर प्लेनर आ रहा है तो सोचना है। इसमें भी क्या करना है आपको, पेयरिंग बनाना है, पेयर बनाना है, और पेयर बनाकर यदि एक से ज़्यादा पेयर बन पा रहे हैं तो जी आई पॉसिबल है। ये कंक्लूजन था अपना चैप्टर का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।